सो गुड आफ्टरनून एवरी वन, वेलकम टू टूडेज मैथ्स क्लास। फटाफट देख लेते हैं कि आपके 13.2 दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शन में कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है। सो यू आर हैविंग डाउट इन ओनली टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10। लेट अस फिनिश दिस टू क्वेश्चंस क्विकली। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10 को हम फिनिश कर देते हैं। आफ्टर फिनिशिंग दिस टू क्वेश्चंस व्हिच आर योर क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10, वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज योर 8 एंड 15, राइट? नाउ ओनली टू चैप्टर्स आर लेफ्ट इन मैथ्स, 8 एंड 15, 16। So let us see first question number 8. In question number 8, they are telling that 15 boys earn rupees 900 in 5 days. Okay, there are 15 boys. 15 boys are earning rupees 900 in how many days? 5 days. How much will 20 boys earn? 20 boys earn how much in 7 days? अरे बाप रे, अब यहाँ पे तो दो दो चीजें हैं। Am I correct? हाँ ना? बॉयज भी है, रुपीज भी है, डेज भी है। तो ये तीनों चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि वेदर दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन और व्हाट, राइट? नाउ लेट अस चेक वन बाय वन। फर्स्ट टेल मी, जस्ट अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड अमाउंट दे आर अर्निंग। सपोज वन बॉय इज अर्निंग 100 रुपीज, टू बॉयज विल अर्न हाउ मेनी रुपीज? 200, करेक्ट ना? राइट ना? थ्री बॉयज विल अर्न हाउ मेनी? थ्री बॉयज विल अर्न हाउ मच? 300 रुपीज। सो कैन आई से नंबर ऑफ बॉयज एंड अमाउंट दे आर अर्निंग इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और नॉट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। नाउ अगेन नंबर ऑफ डेज, सपोज वन बॉय इज वर्किंग फॉर वन डे एंड अर्निंग 100 रुपीज। So if one boy, that boy only, if he works for 2 days, how much will he earn? One boy is earning 100 rupees by earning only one boy, right? Yes, so if one boy is going to work for 2 days, he is going to earn 200 rupees, right? If he will work for 3 days, how many rupees? 300. If he will work for 4 days, how many rupees? 400. Is this clear? You can tell me yes, everyone, right? So here, can I say all this data is in direct proportion or not? Right here, given data is in direct proportion. बट यहाँ पे तीन क्वांटिटी है, माई करेक्ट? राइट, पहले आपके पास सिर्फ दो क्वांटिटी होती थी, तो आप वहां से रेशियो करके डायरेक्टली फाइंड कर देते थे। यस सर, नो एवरीवन? अब यहाँ पे तो हम रेशियो डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। टेल मी यस, कैन वी फाइंड रेशियो डायरेक्टली हियर? बोलो नो, कैन यू फाइंड हियर रेशियो डायरेक्टली? नॉट एट ऑल, बिकॉज देर आर थ्री क्वांटिटीज, राइट? सो हाउ कैन यू डू दिस? जस्ट यू हैव टू रिड्यूस दिस क्वांटिटीज वन बाई वन, वन बाई वन आपको इन सबको रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे? लेट मी शो यू। पहले आप वन बॉय एक दिन में कितना अर्न कर रहा है वो फाइंड करना पड़ेगा, राइट? सी, जस्ट यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट वाइज। 15 बॉयज कैन अर्न रुपीज 900 बाई वर्किंग फॉर 5 days, राइट? रुपीज 900 इन 5 days, लाइक इन 5 days। चलो मुझे ये बताओ, अगर 15 बॉयज की जगह मैं वन बॉय कर रहा हूं, सो वन बॉय कैन अर्न हाउ मच रुपीज? 900 बाई 15 और नॉट इन 5 days, यस और नो? बिकॉज इफ वन बॉय विल गो, अमाउंट विल बी लेस। एम आई करेक्ट? अनन्या, सांकेति, जलिन, राइट, रोहन, निकिला, फरहान, रजत, भूमिका, होप यू ऑल स्टूडेंट्स आर गेटिंग माय पॉइंट। सो देयरफॉर वन बॉय कैन अर्न रुपीज 60 इन 5 days, वन बॉय कैन अर्न रुपीज 60 इन 5 days। नाउ आई नीड टू फाइंड हाउ मच वन बॉय कैन अर्न इन वन डे। सो देयरफॉर वन बॉय कैन अर्न रुपीज 60 डिवाइड बाई 5 in one day, right? So others told me initially, right, and Varsha is also telling the same. Because so one boy can earn rupees 12 5 is 60 in one day,
वन बॉय कैन अर्न 12 रुपीज इन वन डे। अब वन बाय वन आपको क्या फाइंड करना है, 20 बॉयज एंड 7 डेज, तो दोनों में से आप कोई भी पहले ले सकते हो। टेल मी, फर्स्ट यू विल सेंड 20 बॉयज ऑन वर्क, और फर्स्ट यू विल सेंड, और फर्स्ट यू वांट टू फाइंड फॉर 7 डेज, एनीथिंग यू कैन टेक फर्स्ट, राइट। पहले 20 बॉयज के लिए फाइंड करना है तो पहले 20 बॉयज के लिए कर सकते हो, फिर 7 डेज के लिए फाइंड करना है तो 7 डेज के लिए कर सकते हो। बोलो पहले क्या करना है कि दोनों साथ में करने हैं, बोथ यू हैव टू डू सिमिलरली, राइट। 20, सो हियर here 20 boys can earn rupees 20 into 12 in one day, right, which is how much, 20 into 12 is how much, which is equal to rupees 240, correct, right? 12 2 24. Now in 7 days, this is for one day, so therefore 20 boys can earn rupees 240 into 7 in 7 days. So therefore 20 boys can earn rupees 1680 in 7 days. Is it clear, everyone? This is your final answer. Okay, chalo fatafat ise note down kar do. Write this quickly. जैसे ही हो जाए मुझे बता दो, नोट डाउन दिस क्विकली। नहीं शिवांश, इज दिस न्यू? ओके, कैन आई शो यू नेक्स्ट नाउ? ओके सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, लेट मी इंपोर्ट क्वेश्चन नंबर 10 वन मोर टाइम। सानवी अपूर्वा गेटिंग ना, रजत Tejas, we will start chapter number 15 after this chapter. Now, can you see this question number 10, everyone? You can tell me yes, everyone. Question number 10. Yes, Tejas, you have raised your hand. You want to ask something or you want to tell something? A shopkeeper has money to buy 45 watches when the cost of the watch was rupees 427, right? So a shopkeeper is going to buy watches. Shopkeeper can buy 45 watches when the cost of one watch is rupees 427.
इफ यू विशेष टू बाई वॉचिज विच कॉस्ट रुपीज 122 मोर राइट नाउ देर आर डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ वॉच इजंट इट एवरी वन यस आदर्श आस्किंग सर कैन वी गेट मार्क्स इफ यू डू एवरीथिंग मैन्युअली नो आदर्श मैन्युअली में मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि जो डायरेक्ट या इनवर्स प्रपोर्शन है वो आपको लिख के करना पड़ेगा ओके जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें क्योंकि तीन क्वांटिटीज थी इसलिए हमें वो वन बाय वन करना पड़ा करेक्ट राइट इन रियल लाइफ यू कैन डू मैन्युअली ओके बट फॉर दैट बाकी राइट बाय द वे द मैथ्स लर्न करने का आपका मतलब वही है कि आप मैन्युअली सारी चीजें कर सको नाउ कॉस्ट ऑफ वन वॉच If it is rupees 122 more, that is rupees 427 plus 122, then how many watches he can buy? So what will be the cost of this another watch? Suppose this is watch A, this is watch B. So 7 plus 2, 9, 2 plus 2, 4, 4 plus 1, 3, 349. Am I correct? Let me give you one example here. Right? इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आप मुझे ये बताओ. जब भी आप मम्मी पापा के साथ घूमने के लिए जाते हो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल राइट आप एक दुकान देखते हो लस्सी शॉप आइसक्रीम वाला उसको देख के आप स्टक हो जाते हो आया ना उसको देख के यस इट इज सॉरी माय मिस्टेक इट इज 4 + 1 = 549 ओके 549 सी हाँ मान लो लस्सी मैजिक के पास आप गए एंड आप पूरे स्टक हो जाते हो मम्मी पापा कैसे हाथ पकड़ लेते हो पापा पापा मम्मी मम्मी This, I want this, nothing else. Yes? Yes or no? Everyone? तो ये पापा आपको बोलते हैं या मम्मी आपको बोलती हैं See बेटा, I am having only 60 rupees. तेरे पापा ने अभी मुझे 60 rupees ही दिए हैं So अभी तेरे पास दो ऑप्शन है Either you can drink two lassis of 30 rupees each, right? मतलब दो normal lassi आप पी सकते हो Or you can take one chocolate lassi of 60 rupees. और 60 रुपीज की एक चॉकलेट लस्सी ले सकते हो या 30 रुपीज की दो चॉकलेट लस्सी ले सकते हो आर यू गेटिंग माई पॉइंट हाँ या ना क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है बोलो बोलो हाँ या ना ऐसा कभी आपके लाइफ में हुआ है बोलो फिर आप बोलते हो नहीं मम्मी मुझे तो दो चॉकलेट लस्सी पीनी है बोलते हो कि नहीं बोलते हैं नहीं ओनली इतना ही है दिस क्वेश्चन इज सेम लाइक दैट ओनली राइट बस यहाँ पे मम्मी की जगह शॉपकीपर है लस्सी की जगह वॉचेस है ये क्लियर है टेल मी यस एवरीवन ओके तो मोरल ऑफ द स्टोरी इफ यू अंडरस्टैंड दिस लस्सी एग्जांपल ऑसम वेरी माय फाइंड लस्सी इट इज राइट 1 * 60 रुपीस सो इफ यू ऑब्जर्व हियर इफ कॉस्ट ऑफ लस्सी इज इंक्रीजिंग योर बजट इज फिक्स्ड राइट द बजट व्हिच इज गिवन टू योर मदर बाय योर फादर इट इज फिक्स्ड कि बच्चों को बाहर लेके जाना है तो 60 रुपीस ही एक्सपेंस होना चाहिए क्यों बजट फिक्स है बजट फिक्स नहीं होगा तो बच्चे तो 500 रुपए की लस्सी भी पी जाएंगे राइट एक दो तीन दस ग्लास लस्सी पी के एकदम पेट फुल पापा तो बहुत मजा आ गया पापा थैंक यू सो मच पापा एंड दूसरे दिन हॉस्पिटल में मिलेंगे सो दिस बजट इज फिक्स सो इफ यू आर इंक्रीजिंग कॉस्ट समझना अगर आप लस्सी का कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हो देन नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ लस्सी आर बीइंग डिक्रीज्ड और इंक्रीज नाउ प्रांजन इज आस्किंग सर चॉकलेट लस्सी कहाँ मिलती है अगर यहाँ चॉकलेट लस्सी नहीं मिलती है तो जब आप गुजरात आओ तो बताना मुझे मैं आपको पिलाऊंगा बहुत अच्छे से मिलते हैं वहाँ पर चॉकलेट लस्सी एक तो गुजरात का है कोको मैं पिलाऊंगा आपको कभी जब भी आप फ्यूचर में गुजरात घूमने हो मुझे बताना सो दिस इज गोइंग टू डिक्रीज और नॉट टेल मी एवरीवन यस और नो ओके तो अगर यहाँ पे आपकी वॉच की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो नंबर ऑफ वॉचेज इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी बोलो नंबर ऑफ वॉचेस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी डिक्रीज डिक्रीज ओके अगर नंबर ऑफ वॉचेस आपके डिक्रीज होंगी देन दिस इज योर डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन इनवर्स वेरी गुड अंडरस्टूड दिस इजी सानवी अपूर्वा ओके यस सो हियर as price of or cost of one watch increases
नंबर ऑफ वॉचेस विल डिक्रीज. सो दिस आर सेड टू बी इन योर दिस वॉचेस आर इन और दिस डेटा आर इन इनवर्स प्रपोर्शन. चलो इनवर्स प्रपोर्शन में तो क्या कॉन्स्टेंट होता है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट क्या है रेशियो, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट और रेशियो कॉन्स्टेंट, नंबर ऑफ वॉचेस जिसके आप नाम दे दो एक्स, कॉस्ट ऑफ ईच वॉच जिसे आप नाम दे दो वाई. नाउ इफ यू राइट योर डेटा हियर, ये लस्सी वाला एग्जाम्पल उस उधर लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको समझाया. इज दिस क्लियर? तो जब भी क्वांटिटी हो एंड प्राइस हो आपको बस लस्सी मैजिक याद करना है, लस्सी शॉप, उसको जाके मत समझाने लगना. और अब तो नेक्स्ट टाइम लस्सी मैजिक पे जाओगे भैया भैया आप तो इनवर्स प्रोपोर्शन में लस्सी बेचते हो, तो पूछेंगे क्या बोल रहे हैं, एलियन बन गए क्या सब, तो बोलेंगे नहीं हमारे आशीष सर ने सिखाया है. ऐसा कुछ मत बोलना जाके, राइट. सर सी हियर, अगर नंबर ऑफ वॉचेस आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया गया है 45 वॉचेस एंड 427 इज प्राइस ऑफ ईच वॉच. नाउ नंबर ऑफ वॉचेस कितनी हो रही है वो हमें फाइंड करना है. सपोज दिस इज X2 या इसे आप नाम दे दो A, व्हेन योर प्राइस इज बिकमिंग 122 मोर दैट इज 549. ओके सो हियर योर सिंस प्रोडक्ट इज कॉन्स्टेंट देयरफॉर. नाउ प्रोडक्ट किस किस का कॉन्स्टेंट है बोलो, 45 और ए का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है. 45 into A equal to 427 to 549? No, very good. 45 into 427 is equal to A into 549. So therefore, 45 into 427 equal to A into 549. So from here, can you find A? Therefore, A is equal to 45 into 427 divided by 549. Try to find this. 9 5s are 45. 9 6s are 54, 9 1s are 1, 61. Okay, 427 by 61. 61 ke koi factors hain, aur 61 is prime number. Hey, directly ho jayega, 61 into 7. 6 7s are 42 and 1 7s are 7. So 5 7s are 35. So next, how many watches shopkeeper can purchase? 35. So shopkeeper can purchase 35 watches of cost rupees 549 each. Okay, so quickly note down this everyone. यहाँ पे आपका 13.2 खत्म होता है.